गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू टी एस एन एजुकेशन चैनल दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास सेवन सिविक्स चैप्टर फोर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज़ की तरह ग्रो अप होना बींग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स आइडेंटिटी किसी भी बॉय या गर्ल की तरह होना उनकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है द सोसाइटी वी ग्र ग्रो अप इन टीचर्स आज वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ जिस सोसाइटी में हम ग्रो अप होते हैं वे हमें टीच करती है कि किस तरह का गर्ल्स और बॉयज़ का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है वॉट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू गर्ल्स को क्या गर्ल्स और बॉयज़ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंक्स आर एक्जैक्टली द सेम एवरीवेयर हम ऐसा सोचते हैं हम यही सोचते हुए ग्रो अप होते हैं कि ये जो थिंग्स हैं ये सभी जगह सेम है बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे क्या सभी सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ को सेम वे में देखा जाता है वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर्स देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women और हम ये भी देखेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे different roles होते हैं boys और girls के लिए कि उन्हें prepare करते हैं future में men और women का role play करने के लिए we will learn that most societies value men and women differently हम ये भी देखते हैं कि जो भी societies हैं वे men और uh, women को differently ट्रीट करती हैं या उनकी जो वैल्यू है वे सोसाइटी में मैन और वुमेन की डिफरेंट होती है द रोल्स वेमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू जो भी रोल वेमेन uh, प्ले करती हैं या जो भी वर्क करती हैं उसे लेस वैल्यू माना जाता है जो भी मैन uh, वर्क करते हैं या जो भी रोल प्ले करते हैं उनसे वुमेन का जो वर्क है उसे बहुत कम माना जाता है दिस चैप्टर वी दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वेलिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क हम इस चैप्टर में एक्जामिन करेंगे कि किस तरह की इनइक्वैलिटीज़ असमानता मैन और वीमेन मैन और वुमेन में होती है किसी भी वर्क के एरिया पर ग्रोइंग अप इन सेमोआ इन द नाइनटीन ट्वेंटीज द सेमो एन आयरलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आयलैंड इन द साउद पार्ट ऑफ द पैसेफिक ओशियन सैमुन आइलैंड एक पार्ट है लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड का जो कि साउदन पार्ट पैसिफिक ओशियन के साउदर्न पार्ट में है इन द नाइनटीन ट्वेंटीज़ अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स एंड सैमुन सोसाइटी नाइनटीन ट्वेंटीज़ की एक सैमुन सोसाइटी की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल जो चिल्ड्रन है उन्हें स्कूल नहीं भेज चिल्ड्रन जो हैं वे स्कूल नहीं जाते दे लर्न मैनी थिंग वे कई थिंग्स को लर्न करते हैं जैसे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट वे ये देख सीखते हैं कि किस तरह से चिल्ड्रन जो हैं घर पर उनकी ध्यान रखा जाता है और हाउस होल्ड वर्क घर के कैसे किए जाते हैं सीखते हैं फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आयरलैंड फिशिंग इस आयरलैंड पर more, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यंग पीपल दे आर फोर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस और जो यंग पीपल हैं वे लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन्स पर जाते जाते हैं बट दे लर्न डीज थिंग्स इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ देअर चाइल्ड हुड पर वे चाइल्ड हुड के डिफरेंट पॉइंट्स पर इन चीज़ों को सीखते हैं एज सोन एज बेबीज कुड वॉक जब बेबीज चलना सीख जाते हैं देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुकड आफ्टर दैम तब उनके जो एडल्ट हैं या उनके जो मदर हैं उनके ध्यान नहीं रखते ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज फाइव ईयर्स ओल्ड जो भी ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि फाइव ईयर्स ओल्ड के टुक ओवर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स सभी बॉय और गर्ल्स अपने यंगर सिबलिंग्स की लुक आफ्टर करते हैं बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट नाइन ईयर्स ओल्ड जब कोई भी बॉय या गर्ल नाइन इयर्स ओल्ड के हो जाते हैं ही जॉइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स और उसके बाद जो बॉयज़ होते हैं वे और ओल्डर जो बॉयज़ हैं उनके साथ आउटर जॉब्स पर जाते हैं जैसे फिशिंग और कोकोनट की प्लांटिंग के लिए गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू पेरेंट्स फॉर टिल देवर टीन और जो गर्ल्स हैं वे कंटिन्यू स्मॉल चिल्ड्रन की ध्यान जो है घर पर उनका ध्यान रखती हैं और जो जो भी एडल्ट्स हैं जब तक कि वे टीनेजर नहीं हो जाती बट वंस दे जो भी उनके एडल्ट्स की ज़रूरतें होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है वंस दे बिकम टीन एजर जब वे टीनेजर्स हो जाती हैं दे हैड मच मोर फ्रीडम तब वे उन्हें फ्रीडम मिलती हैं आफ्टर द एज ऑफ फोर्टीन ऑल्सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स फोर्टीन एज या फिर उससे ज़्यादा की एज होने पर जो गर्ल्स हैं उन्हें फिशिंग ट्रिप्स पर भेजा जाता है वर्क इन द प्लान वे प्लांटेशन में वर्क करती हैं जो बागान होते हैं वहाँ पर वर्क करती हैं लर्न हाउ टू वी वीव बास्केट्स और यह भी सीखती हैं कि, कि किस तरह से बास्केट को वीव किया जाता है बुना जाता है कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज कुकिंग स्पेशल कुकिंग हाउसेज में की जाती है वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ़ द वर्क कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क है वे बॉयज ही करते हैं वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिप्रेशं और गर्ल्स केवल प्रिपरेशंस में हेल्प करती हैं ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द नाइनटीन सिक्सटीज द फॉलोइंग इज अडोप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बिंग अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द नाइनटीन सिक्सटीज यहाँ जो अकाउंट है ये किसी के एक्सपीरियंस का जो अकाउंट अडॉप्ट किया गया है नाइनटीन सिक्सटीज़ में मध्य प्रदेश के एक स्मॉल से टाउन से फ्रॉम क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वैन टू सेपरेट स्कूल क्लास सिक्स से बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट स्कूल में भेजा जाता है द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल गर्ल्स की जो स्कूल है उसे बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन किया जाता है या जो गर्ल्स का स्कूल है बिल्कुल डिफरेंट होता है बॉयज़ के स्कूल से दे हैड ऐ सेंट्रल कोर्ट यार्ड दे आर दे प्लेड इन टोटल एंड सेफ्टी फ्राम द आउटसाइड वर्ल्ड वहाँ पर एक सेंट्रल uh, कोर्टयार्ड बना होता है जहाँ पर वे टोटल uh, बिल्कुल वहाँ uh, पर वे प्ले करती हैं या खेलते हैं और जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे बिल्कुल वे सेफ होती हैं और बिल्कुल सेपरेट होती हैं द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड बॉयज़ की स्कूल में इस तरह का कोई भी कोर्ट यार्ड नहीं होता एंड आर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल और जो एक बहुत बड़ा जो प्ले ग्राउंड होता है वो स्कूल से अटैच होता है एवरी थिंग वंस स्कूल वॉज ओवर सॉरी एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर एवरी हर एक इवनिंग में जब स्कूल ओवर होता है द बॉयज वॉज एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स बॉयज़ ये वॉच करते हैं कि जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स का क्राउड है नेहरो स्ट्रीट से वो कर जाता है जो छोटी स्ट्रीट्स बनी होती हैं वहाँ से गर्ल्स जाती हैं एज दिज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक सो परपजफुल जब वे जाती हैं तो वे बहुत पर्पजफुल दिखती हैं गर्ल्स दिस वॉज अनलाइक द बॉयज बॉयज़ इनके बिल्कुल अपोजिट हु यूज द स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले और इसके बजाय जो आ, प्लेस होता है उनका जाने का वो बहुत आइडलिंग होता है प्ले के लिए और टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद दे आर बाइसिकल्स वहाँ पर वे अपने बाइसिकल्स की ट्रिक्स करते हैं फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट फॉर सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम स्ट्रीट ऐसा सिंपल प्लेस है जहाँ पर वे बिल्कुल स्ट्रेट अपने होम को जाती हैं द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स जो गर्ल्स होती हैं ग्रुप्स में जाती हैं पर बिकॉज दे ऑल्सो कैरेट फेयर्स टू बींग टीय टीज और अटैकड उनके मन में एक फीयर होता है उनमें एक फियर होता है गर्ल्स में कि उन्हें कहीं टीस ना किया जाए या उन पर कोई अटैक ना किया जाए इसीलिए जो गर्ल्स होती हैं वो ग्रुप्स में जाती हैं आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल अब वी रियलाइज दैट देअर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग ऑफन विथिंग दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विद चिल्ड्रन ग्रो अप हमने यहाँ पर जो टू एग्जाम्पल देखे हैं उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से ग्रो अप होने में टू uh, के टू डिफरेंट वेज हैं कि किस तरह से चाइल्ड चिल्ड्रन ग्रो अप होते हैं दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विथ आर ओन एक्सपीरियंसेज हम कई बार हर एक चीज़ से फेमिलियर होते हैं हमारे अपने एक्सपीरियंस से इफ़ यू टॉक टू एल्डर्स इन आर फैमिली अगर हम हमारे फैमिली के एल्डर्स की बात करें वी विल सी दैट देयर चाइल्ड हुड वर वेरी चाइल्ड हुड वर प्रॉबेबली वेरी डिफरेंट फ्राम आर्ट्स कि उनका जो चाइल्ड हुड है जो उनका बचपन है हमारे एल्डर्स का वो हमारे आज के जो चाइल्ड हुड है उससे काफ़ी डिफरेंट होगा वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ में क्लियर डिस्टिक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स हम ये रियलाइज़ करते हैं कि सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी डिस्टिंगशंस हैं दिस बिगन्स फ्राम वेरी यंग एज ये सभी यंग एज से ही आते हैं वी आर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल है गिवन डिफरेंट टॉयज है टू प्ले विथ कि जैसे टॉयज़ के साथ खेलने के यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है बॉयज़ आर यूजली गिवन कास्ट टू प्ले विथ बॉयज़ को प्ले करने के लिए कार दी जाती है और गर्ल्स को डॉल्स वो टॉयज कैन बी अ ल लॉट ऑफ फन टू प्ले दोनों ही टॉयज़ में दोनों टाइप के जो टॉयज़ होते हैं जैसे कि डॉल में और कार में दोनों में ही बहुत फन होता है प्ले करने में वी आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स कि हम गर्ल्स हैं इसलिए डॉल्स दी जाती हैं और बॉयज़ को कार्स टॉयज़ बिकम एन वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे वी हैव डिफरेंट फ्यूचर टॉयज़ देने का ये एक वे है कि जिसमें चिल्ड्रन को ये बताया जाता है कि जो उनका फ्यूचर है बहुत ही डिफरेंट है वैन दे बिकम मैन एंड वूमेन जब वे मैन या वुमेन बनेंगे इफ़ यू थिंक अबाउट इट दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स ये जो डिफरेंस है ये छोटी सी थिंग्स से स्टार्ट होता है और हर एक दिन ऐसी थिंग्स देखने को मिलती हैं हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस कि गर्ल्स को कैसे ड्रेस पहनना चाहिए वॉट गेम्स बॉयज शुड प्ले बॉयज को कैसे गेम्स खेलना चाहिए हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू भी टफ कि गर्ल्स को किस तरह से सॉफ्टली टॉक करना चाहिए और बॉयज़ को टफ ऑल दिज आर वेज टू टेलिंग डिफरेंट चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले वैन दे ग्रो अप ग्रो सॉरी ग्रो अप टू द टू बी मैन एंड वुमेन की डिफरेंट जो किस तरह से गर्ल्स और बॉयज़ को डिफरेंट रोल प्ले करने होते हैं मैन एंड वुमेन की तरह लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और दैरियर्स वी कैन चूज इस तरह से ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कि हम कैसे स्टडी करके कौन से सब आ, अपने करियर को चूज़ करते हैं इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आर टाउन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू कि हमारी जो सोसाइटीज़ है जिसमें कि टाउन को भी इंक्लूड किया गया है मैन और वुमेन जो भी आ, वर्क uh, करते हैं आर नॉट वैल्यूड इक्वली उन्हें इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस मैन और वुमेन का सेम स्टेटस नहीं है लेटेस्ट लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन अब हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पर किस तरह से मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है